तुम क्या कर रहे हो यहां पे? बोलो बाप। हेलो, मैं आती हूँ। ये क्या है? आपके खत का जवाब। मेरे खत का जवाब? मैंने तुम्हें कभी कोई खत नहीं लिखा। क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो रबाब। मैंने तुम्हें आज तक कोई भी खत नहीं लिखा। इसको धाका वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। मंगनी हो चुकी है मेरी और शादी होने वाली मेरी जोया से। आज तुम्हें खत जाने दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं सीधा तुम्हारी मामा के पास जाऊंगा। समझ रहे हो तुम? रबाब, 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 आंखें खोलो बेटा, क्या हुआ है?
रबाब रबाब उठो बेटा, रबाब रबाब अशर, अशर जल्दी से गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना है। क्यों मैं, क्या हुआ? रबाब ने जहरीली गोलियां खा ली। क्या? अब देख क्या रहे हो, जल्दी गाड़ी निकालो। आ चल। क्या हो गया रही साहब? अल्लाह से दुआ करो वो बेहतर करेगा। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो यही सोचा था कि मैंने उसे दुनिया के सारे सुख दिए, लेकिन ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किए? उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगो, सब बिल्कुल असबाब है, वो जरूर करम करेगा। मिल गया आपको सुकून, यहीं जाते थे ना? अरे मैं क्या, मैं भाई आपकी मोहब्बत में वो बेचारी आज मौत के मुंह में पहुंच गई है, लेकिन आप तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। कभी इसकी मोहब्बत को मजाक और कभी बचपना कह के टालते रहे, और वो करती भी क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास, यही करना पड़ा उसको। काश के रबाब आपके बजाय किसी पत्थर से मोहब्बत कर लेती भाई, तो वो पत्थर भी पिघल जाता। लेकिन आप बहुत सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपको मोहब्बत है, आपने मंगनी कर ली, एक बार भी उस बेचारी के बारे में नहीं सोचा। उसका क्या होगा जो जो न जाने कब से आपके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही। आपकी बर्थडे, आपके कॉलेज के पहले दिन, आपके ऑफिस का फर्ज है, हर बात आपके बारे में करती है भाई। आपके फेवरेट कलर, आपके पसंद के खाने, भाई रबाब को तो आपके अलावा कोई बात ही नहीं करनी आती। और पता है सब बातें क्यों पूछती थी? ताकि आपको शादी के बाद कोई तकलीफ ना हो। भाई रबाब तो अपने आप को आपके रंग में रंगी जा रही, लेकिन जानते हैं आप बहुत बदकिस्मत हैं, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में रबाब जैसी लड़की नहीं होगी, इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की। और अगर इस बार वो बच भी गई और आप मान भी गए, तो मैं उसको आपकी जिंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी, क्योंकि आपको तो मोहब्बत की कदर ही नहीं है। और एक और बात भाई, अगर आपको रबाब के साथ यही सब करना था तो वो खत आपने क्यों लिखे थे? जवाब दे मुझे, वो खत आपने रबाब को क्यों लिखे थे? मैंने वो खत नहीं लिखे। झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ नहीं बोल रहा मैं, सही कह रहा हूं मैं, मैंने उसे कोई खत नहीं लिखा। शादी करो, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे दो, जबरदस्ती है क्या? मुझे मोहब्बत नहीं है तो शादी कैसे कर लूं? मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से कैसे दे दूं?